नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया है। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने के लिए मेलबर्न पहुंचे थे। इससे पहले जोकोविच को घंटों तक एयरपोर्ट पर रोका गया। इसके बाद एंट्री से जुड़े कुछ दस्तावेज न दिखाने पर उनका वीजा रद्द कर दिया गया। कोरोना महामारी के बीच ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन किया जा रहा है। 17 जनवरी से इसकी शुरुआत होने वाली है। 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके नोवाक जोकोविच बुधवार को मेलबर्न पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें पहले घंटों तक एयरपोर्ट में रोका गया और फिर दस्तावेज न दिखाने के कारण उनका वीजा रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जोकोविच के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं था और वे इसके बिना टूर्नामेंट खेलना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक दिन पहले जोकोविच को वैक्सीनेशन नियमों में छूट देते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। खबरों की माने तो जोकोविच ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन यही नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट में लिखा, जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया गया है। नियम नियम है, खासकर जब हमारी सीमाओं की बात आती है, कोई भी इस नियमों से ऊपर नहीं है। हमारी मजबूत सीमा नीतियां ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। कोरोना से दुनिया में सबसे कम मृत्यु हमारे यहाँ ही है। हम सतर्क रहना जारी रख रहे हैं। 34 साल के जोकोविच की नज़रें रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम पर हैं। जोकोविच, रोजर फेडर और राफेल नडाल तीनों अब तक 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। ऐसे में जोकोविच इस रिकॉर्ड को अपने नाम करना चाहते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।